अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम आप लोग को बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। ये डिज़ाइन हम रिक्वेस्ट पर बनाकर दिखाने जा रहे हैं। ये डिज़ाइन पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड है। तो ये देखिए, ये रिक्वेस्ट पर बहुत व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि ये डिज़ाइन बनाकर दिखाइए। तो ये डिज़ाइन हम बना रहे हैं पूरा। देखिए, ये वाला हमने तीन कलर में लिया है। तो हमने रेड लिया है, ग्रीन लिया है और हमने क्रीम कलर में लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो एक पीस हम आप लोग को बनाकर दिखाएँगे और अगले वीडियो में हम पूरा कम्प्लीट बनाकर बेडशीट दिखाएँगे। तो ये देखिए, जो हमने ये वाला पट्टी लिया था, ये हमने 2 इंच की चौड़ाई पर लिया था और रेड वाला पीस हमने 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई और ग्रीन वाला भी 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई, दो दो पीस हमने लिया है रेड और ग्रीन वाला। और ये देखिए, क्रीम कलर वाला हमने 4.5 इंच लंबाई, 4.5 इंच चौड़ाई लिया है। ये देखिए, ये 4 पीसेस है और ये रेड वाला हमने लिया है 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, तो ये भी हमारा 4 पीसेस है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने लिया है। तो ये हमारा 4 पीसेस है और ये जो हमारा ये छोटा वाला क्रीम कलर में ये वाला पीसेस है, ये 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, तो ये हमारा 4 पीसेस है। ग्रीन वाला पीस हम रखना भूल गए थे, तो हम बाद में आप लोग को इसका मेजरमेंट ग्रीन वाले पीसेस का 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, 4.5 इंच लंबाई, 4.5 इंच चौड़ाई है। और ये देखिए, 1 पीसेस है। तो देखिए, इस तरीके से हमने 2 पीसेस को इस तरीके से ग्रीन वाला कट कर लेना है। तो हम इसको अच्छे तरीके से कर देंगे फोल्ड और कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक कर देंगे अच्छे तरीके से बराबर कर कटिंग। आप अपने हिसाब से, हमें ज़्यादा बनाना है तो हमने ज़्यादा कट कर लिया है। ये हम डबल बेड का बेडशीट बनाएंगे। तो हम आप लोग को इसको आज एक फ्लावर बनाकर दिखा देंगे और जॉइंट करना पूरे बेडशीट का अगली वीडियो में, या मतलब 2 दिन बाद ये वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें ले लेना है पूरे पीस को, हम कट कर लेंगे। जो हमारा ये क्रीम कलर का पीसेस है 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, उसको नहीं कट कर लेना है और पूरे पीसेस को इस तरीके से कट कर लेना। तो देखिए, हमने इस तरीके से पूरे पीस को कर लिया है कटिंग। अब इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, एक पीस हम रेड वाला लेंगे और एक पीस हम ग्रीन का लेंगे। अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देंगे। तो हमें देखिए, एक पीस का आप लोग को बता दे रहे हैं एक डिज़ाइन, एक फ्लावर का। तो हमें ये देखिए, इस तरीके से हमें 4 पीसेस कर लेना है। तो हमने 2 कर लिया है, 2 और करेंगे, 4 पीसेस में हो जाएगा। देखिए, जो पूरा कंप्लीट बेड सीट है डबल बेड का, वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, अपलोड कर पूरा वीडियो ही बनाएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। और इसमें हम बॉक्स वाला और ये फ्लावर वाला, एक फ्लावर रहेगा एक बॉक्स वाला रहेगा, उस तरीके से डिज़ाइन को जोड़ेंगे। तो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। और ये देखिए, एक पीस हम आप लोग को बनाकर बता दे रहे हैं किस तरीके से बनेगा। अगर जो बनाना आता है जिनको, तो कर बना लीजिएगा, और नहीं तो हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तो देख लेना 2 दिन बाद, तो उसमें आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे तरीका किस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो देखिए, हम आपस में ये ग्रीन ग्रीन के साइड रखेंगे और रेड वाला रेड के साइड रख कर इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, और ये वाला जो हमारा पीसेस है, इसको भी हम इसी तरीके से सेम कर लेंगे। तो हमने 4 पीसेस को इस तरीके से किया था, तो ये हमारा जब आपस में ज्वाइंट कर लिए तो 2 पीसेस हो गया है। देखिए, इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट कर दिए हैं। अब इसकी कटिंग भी कर देंगे साथ में। तो देखिए, हमने कट कर दिया है और ये देखिए, इस तरीके से आया है। ये ग्रीन ग्रीन के साइड है और रेड रेड के साइड, देखिए इस तरीके से हम ज्वाइंट कर देंगे। और ये वाला पीसेस भी इसके ऊपर रख कर ये देखिए, इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो देखिए, हमने सिलाई कर दिया इस तरीके से। ये देखिए, हमारा इस तरीके से आया है। ये देखिए, तो ये जो हमने पट्टी लिया था 2 इंच की चौड़ाई का, तो उसको हम इसी तरीके से रखेंगे बराबर से, अच्छे तरीके से बराबर कर कर, और फिर हम इसको भी सिलाई कर देंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको सिलाई कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कट, तो देखिए, हमने इस तरीके से कट कर दिया पीस को और अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से आया है। और जो हमने रेड और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर कर निकाल देंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से कर दिया है। और जो हमने रेड और ग्रीन हमने पीसेस को कट किया था, उसको हम जॉइंट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे तरीके से एक हम रेड लेंगे और एक हम ग्रीन लेंगे। तो दोनों पीसेस को आपस में हम जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से कर देना है। और देखिए, ग्रीन वाला हमें एक ही पीस, मतलब ये हमारा 2 ही पीस में रहेगा ग्रीन का। तो हमको देखिए, इसको भी हम अच्छे तरीके से बराबर कर कर इसी तरीके से हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पीसेस को आपस में जॉइंट कर दिया है और अब इसको हम कट कर दे रहे हैं। देखिए, इस तरीके से कर कर, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से कर लेंगे और आपस में
ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन के ही साइड रहेगा और फिर हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो हम ग्रीन वाला ग्रीन के साइड अच्छे तरीके से बराबर कर हम सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से रखेंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई कर ख़त्म कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर दिया है और ये वाला जो हमारा पीसेस है तो हमको इस तरीके से जो हमने पहले ज्वाइंट किया था ये देखिए इस तरीके से हमें कर देना है। तो इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे और ये देखिए बराबर अच्छे तरीके से कर फिर हम इसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे कर तो ये हमारा, तो देखिए हमने सिलाई कर दिया है और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर निकाल देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये जो हमारा बगल में स्टार की तरह बनेगा वो डिजाइन हम आप लोग को बनाकर दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक क्रीम कलर का लेंगे पीसेस और एक रेड कलर का लेंगे। तो आपस में इसको हम दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से जितना भी हमने पीसेस लिया था उसको हम कटिंग किया था उसको हम पूरे पीसेस को इसी तरीके से एक एक कर ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों पीसेस को पूरे जितना भी हमने पीसेस लिया था हमने सब पीसेस को कट कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए एक एक कर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और अच्छे तरीके से हमने पूरे पीसेस को ज्वाइंट कर दिया है आपस में। तो हम देखिए इस तरीके से रखेंगे एक हम ये वाला, तो जो हमारा क्रीम कलर का पीसेस है उसको हम क्रीम कलर की ही साइड रखेंगे, दोनों आपस में ज्वाइंट करेंगे और जो हमारा रेड रहेगा रेड के साइड रहेगा। तो इसी तरीके से हम कर पूरे पीसेस की ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब एक एक कर हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारे इस तरीके से चार पीसेस में आए हैं, एक दो और ये तीन, ये देखिए तीन और एक चार, चार पीस में हमने सिलाई कर लिया है। तो दो पीस को हमें इस तरीके से कर देना है अलग और इसको हमें दो पीसेस में ये वाला जो हमने चार इंच लंबाई चौड़ाई वाला पीसेस लिया था उसको हम इस तरीके से साइड में करेंगे। तो दो देखिए इस साइड भी कर लेंगे और इस साइड भी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इस साइड कर लिया है दोनों पट्टी में। तो देखिए ये वाला पीसेस को और इस साइड भी हम यही वाला पीसेस को रखेंगे अच्छे तरीके से बराबर कर। देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दो पीसेस में इस तरीके से हमें करना है और ये दो पीसेस में नहीं करना है। आप अपने हिसाब से जितने भी पीसेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं इसे सेम प्रोसेस से। देखिए जिस तरीके से हमने आप लोग को बनाकर दिखाया है उसी तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं। आप चाहे बेबी बेडशीट पिलो कवर में ये डिजाइन बना सकते हैं या कुछ भी में, तो ये डिजाइन बना सकते हैं इसी तरीके से। इतने भी पीस की आपको ज़रूरत रहेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने कर दिया है और ये वाला जो हमारा है तो हम इसको इस साइड रखेंगे। देखिए ये देखिए अच्छे तरीके से हम बराबर कर इसको रख लेंगे और फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से रखकर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने इस साइड सिलाई कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से आया है और इस साइड भी हम अच्छे तरीके से बराबर कर सिलाई कर लेंगे। तो हमें दोनों साइड ही इसी तरीके से सिलाई कर लेना है रखकर। तो देखिए हमने इस साइड भी सिलाई कर लिया और ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई कर लिया और जो हमने ये ज्वाइंट किया था पीसेस को उसको हमें इस तरीके से रख लेना है। आप चाहे अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम आप लोग को बनाकर बताए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारा सिलने का तरीका और बताने का तरीका। ये देखिए इस तरीके से हम बता सकते हैं, बताए हैं आप लोग को, बना सकते हैं आप लोग इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया है और इस साइड भी हम इसी तरीके से पीसेस को लेकर आपस में ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इसको भी हम सेम इसी तरीके से रखेंगे, अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे कि जो हमारा बराबर करके आप रखेंगे ना तो आपका सिलाई जो आप करेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ आएगा, अच्छे तरीके से बैठेगा। नहीं तो इधर उधर हो जाता है तो हमारा जो बेडशीट है वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुआ है और आप लोग को ज़रूर हम वीडियो लेकर आएंगे, पूरा फुल बनाकर दिखाएंगे। तो हमें इस तरीके से हमें डबल बेड में का बेडशीट है तो इस तरीके से हमने इस तरीके से बनाया है। तो हमें इसको बॉक्स में बनाकर ज्वाइंट कराया। आप चाहे तो इसी तरीके से पट्टी लगाकर आप एक एक कर ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इसी तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।